स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे फेज डिफरेंस की, तो यहाँ पर फर्स्ट हम फेज लैग जो है वो डिफाइन करते हैं, किस तरह फेज लैग होता है, और फिर हम फेज लीड पे आ जाते हैं। सो फेज लैग हम इसी फिगर में देख सकते हैं। अगर आप देखें अकॉर्डिंग टू स्केल हमने बहुत ज़्यादा फेयर ये नहीं बनाया हुआ है, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा फेयर बनाएं, देखिए इस वेव को थोड़ा सा फेयर बना लेते हैं, ये आ जाएगा इसका जो लूप है वो अप्रॉक्सीमेटली देखिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है इसको, यानी अकॉर्डिंग टू स्केल अगर मैं इसको बनाना चाहूँ। सो यहाँ पर ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। सो आप देख रहे हैं कि अगर इन दोनों वेव्स को मैं यहाँ पर कंपेयर कर लूँ, ऑब्जर्व कर लूँ, सो ये जो मैक्सिमम पॉइंट है हमने ये फेज में सॉरी मैक्सिमम वोल्टेज में देखा था कि मैक्सिमम वोल्टेज जो है इसकी वो किस पॉइंट पे आ रहा है, किस एंगल पे आ रहा है, वो हमने देखा था पाई बाई टू पे। सो फर्स्ट वेव के लिए देखिए ये वाला पॉइंट क्या होगा, पाई बाई टू, यानी इसको आप सपोज नाम दे दे ए पॉइंट। अब इसी सेकेंड वेव को देखें, देखिए ये फर्स्ट वेव है, फर्स्ट वेव जो ऊपर आप देख रहे हैं और जो नीचे हमने येलो वाला बनाया हुआ, ये सेकंड वेव है। सो फर्स्ट वेव का जो मैक्सिमम पॉइंट है आप देख रहे हैं कि सेकंड वेव का वहां पर क्या है, सेकंड वेव का वहां पर आ रहा है जीरो पॉइंट। सेकंड वेव का क्या आ रहा है, जीरो पॉइंट। आप देख रहे हैं कि जो सेकंड वेव है वो यहाँ पर देखे एक्स एक्सिस के ऊपर है और जो फर्स्ट वेव है वो यहाँ पर मैक्सिमम है। सो फर्स्ट वेव यहाँ पर उसका फेज पाई बाई टू है, इसी तरह सेकंड वेव का वहां पर फेज क्या है, वो है जीरो। आप इन दो वैल्यूज को देखें, ये सेकंड वेव के लिए मैं इसके साथ नंबर्स पुट करता हूँ ताकि आपको पता चले, ये फर्स्ट वेव का, फर्स्ट वेव का पाई बाई टू फेज है जहां पर, सेकंड वेव का वहां पर जीरो फेज है। सो अगर आप देखें जो फर्स्ट वेव है जब वो मैक्सिमम होता है तो सेकंड जो है वहां पर वो मिनिमम यानी जीरो है। इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट वेव का जो फेज है पाई बाई टू है, सो उस टाइम सेकंड वेव का जो फेज है वो क्या है, वो जीरो है। सो आप देख सकते हैं कि सेकंड वेव जो है, हम कह सकते हैं कि सेकंड वेव क्या है, वो फर्स्ट वेव से पीछे है। कितना पीछे है, पाई बाई टू, यानी ये इन दोनों के फेज डिफरेंस है, इन दोनों के फेजेस के दरमियान डिफरेंस है। सो हम लिख सकते हैं फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, ये आ गया फेज डिफरेंस जो कि इन दो वेव्स के दरमियान है, वो कितना है, पाई बाई टू। यानी हम यू भी लिख सकते हैं फॉर सिंप्लिसिटी के जो वेव टू है इसको आप यू सिंपली लिख सकते हैं, वेव टू, वेव टू इज लैगिंग, इज लैगिंग बिहाइंड, इज लैगिंग बिहाइंड वेव वन, इज लैगिंग बिहाइंड वेव वन बाय बाय एन एंगल, एन एंगल पाई बाई टू। ये एक्चुअली इन दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस है, यानी अगर एक का फेज पाई बाई टू है तो दूसरे का वहां पर जीरो है। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट देखें जो फेज वन का है यहाँ पर वो पाई है, देखिए ये वेव वन जो है यहाँ पर आ जाता है, सो वो पाई है यहाँ पर, और अगर आप वेव टू देखें सो वो यहाँ पर पहुंच जाता है, उसका यहाँ पर क्या है, वो पाई बाई टू है। सो आप फिर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी फेज डिफरेंस क्या है, पाई बाई टू है। सो हम देख सकते हैं कि हर एक पॉइंट पर इन दोनों वेव्स के दरमियान जो फेज का डिफरेंस आ रहा है, यानी जो पीछे है, जो वेव टू पीछे है, कितना पीछे है, वो पाई बाई टू एंगल जो है इससे पीछे है। सो इस तरह के सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जो वेव टू है वो एक्चुअली पीछे है वेव वन से, और इसको हम क्या कहते हैं, फेज लैग। अगर वो पीछे है तो इसको हम क्या कहेंगे, फेज लैग या लैगिंग बिहाइंड। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं फेज लीड। जिस तरह के नाम से जाहिर है हम देख सकते हैं कि इसमें एक वेव जो है वो दूसरे से क्या होगा, आगे होगा, लीड कर रहा होगा, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, फेज लीड उसको हम कहते हैं। सो यहाँ पर अगर हम इसी तरह एक वेव बनाए, सपोज ये मैं एक वेव बना लेता हूँ, देखे ये उसका एक कंप्लीट सर्कल आ गया, साइकिल अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं बना है, लेकिन ये दोनों लूप्स जो है ये इक्वल होते हैं। इसके मैं पॉइंट्स यहाँ पर ड्रा करता हूँ, आप देख सकते हैं इसका जो फर्स्ट पॉइंट होगा यहाँ पर ये जीरो है अकॉर्डिंग टू एंगल, मैक्सिमम पर क्या होता है, पाई बाई टू, ये पॉइंट क्या होगा, पाई बाई टू, ये वाला पॉइंट होगा पाई, ये वाला जो नेगेटिव में मैक्सिमम है वो क्या होगा,
3 पाई बाय 4, मैं यहां पर ऊपर लिखता हूं 3 पाई बाय 4, सॉरी एंगल में 3 पाई बाय 2 होगा, टाइम उसका 3 पाई बाय 4 आता है, 3 टी बाय 4। इसी तरह ये जो कंप्लीट सर्कल आता है तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, 2 पाई, 2 पाई, ये फर्स्ट वेव का आ गया। इसी तरह हम सेकंड वेव यहां पर बना लेते हैं। सेकंड वेव में यहां पर स्टार्ट कर लेता हूं, यहां पर मैं स्टार्ट कर लेता हूं, ये सेकंड वेव आ गया u, सेकंड वेव बना रहा हूं मैं, ये आ गया सेकंड वेव। सो आप देख सकते हैं u हम बना सकते हैं u, ये सेकंड वेव आ गया। सो ये आपके पास आ गया जो येलो वन है, दिस इज वेव नंबर 1, और ये जो हम बना रहे सेकंड कलर का, ये है वेव नंबर 2। अब देखें जहां पर वेव नंबर 1 का हमारे पास है ये थीटा है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो चीज हम भूल चुके हैं यहां पर, ये है थीटा, एक्स एक्सिस पर हम थीटा ले रहे हैं और वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं वोल्टेज, वोल्टेज, ये हम वोल्टेज ले रहे हैं। सो आप देख सकते हैं कि अगर आप सेकंड वेव के जो आप फेजेस देख सकते हैं यहां पर, सेकंड वेव के यहां पर क्या है, मैक्सिमम है। सो मैक्सिमम पर क्या होता है, पाई बाय 2, यानी सेकंड वेव का यहां पर पाई बाय 2 है क्योंकि मैक्सिमम है, और हमने देखा था कि मैक्सिमम वोल्टेज पाई बाय 2 के ऊपर होता है। इसी तरह इस पॉइंट पर अगर आप देखें, सो ये क्या है, पाई है, जिस तरह कि ये एक वेव हाफ वेव कंप्लीट हो गया, सो पाई पे आ गया, इसी तरह ये हाफ कंप्लीट हो जाता है तो ये क्या बन जाएगा, ये पाई, इसकी ये वाला जो पॉइंट है ये पाई आ जाएगा। इसी तरह ये नेक्स्ट पॉइंट जहां पर पाई है, सो यहां पर इसका क्या होगा, ये वाला पॉइंट इसका यहां पर आ रहा है, यानी 3 पाई बाय 2 इसका यहां पर होगा, 3 पाई बाय 2। इस तरह नेक्स्ट इसका जो 2 पाई है वो यहां पर है, एक वेव कंप्लीट हो रहा है, इसका 2 पाई यहां पर है, 2 पाई। सो आप देख रहे हैं कि जो वेव नंबर 2 है, अब देखें यहां पर डिफरेंस को देखें, वेव नंबर 1 जहां पर 0 है, वेव नंबर 1 जहां पर 0 है, वेव नंबर 2 का फेज वहां पर है पाई बाय 2। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो वेव 2 है वो लीड कर रहा है, यानी वो वेव नंबर 1 से आगे है, लीड कर रहा है, लीड्स, वेव 2 लीड्स वेव 1 बाय पाई बाय 2। सो यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों केसेस में अगर आप फेज लेग में देखें या फेज लीड में देखें, यानी वहां पर ऊपर वाले फिगर में एक वेव जो था वेव 2, वो फर्स्ट वेव से पीछे था, कितना पीछे था, पाई बाय 2 फेज, यानी बाय फैक्टर ऑफ पाई बाय 2, इतना वो उससे पीछे था। लेकिन यहां पर वेव नंबर 2 जो है वो वेव 1 से आगे है, कितना आगे है, उतना ही आगे है, पाई बाय 2। और इसी तरह अगर ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर बन जाए, यानी एक वेव सपोज यू है, एक वेव यू है और दूसरा वेव जो है सपोज वो भी उसी तरह आ रहा है, यानी बिल्कुल इसके अलोंग आ रहा है, इसके ऊपर आ रहे, सो फिर क्या होगा, फिर फेज डिफरेंस 0 होगा, यानी इसका मैक्सिमम जहां पर होगा इसका भी मैक्सिमम वहां पर, इसका मिनिमम जहां पर इसका भी मिनिमम वहां पर। तो इस केस में हमारे पास फेज डिफरेंस 0 होगा, लेकिन अगर एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, सो फिर हम देख सकते हैं कि वहां पर फेज डिफरेंस होगा, जिसको हमने दो टर्म से डिफाइन किया, फेज लेग एंड फेज लीड।